A very pleasant morning to all the dear students of class nine. Today in this video, we are going to start up with our chapter number three, coordinate geometry, and also I hope that uh, uh, we will finish up today in this uh, video only with this chapter. Okay, chapter three ko hum isi video mein complete kar lenge. It is a much simpler chapter, much simple concepts. Only th three three exercises are given, and uh,

so starting with the coordinate geometry i'm taking much help from the NCRT book today because uh, this uh, uh, bo this chapter actually needs a frequent use of board but i can't make that for you so talking about the coordinate geometry what does it mean actually when we locate a point okay when we have to locate a point we use number line जब हमें एक पॉइंट को लोकेट करना है तो हमने नंबर लाइन यूज किया इट मीन्स अगर आपको थ्री जी लोकेट करना है टू लोकेट करना है यू नो यू हैव अंडरस्टूड द नंबर लाइन इन द चैप्टर नंबर सिस्टम वेरी वेल ठीक है बट वैन वी वॉन्ट टू लोकेट अ कोऑर्डिनेट मीन्स वैन वी वैन वी वॉन्ट टू लोकेट अ पेयर ऑफ पॉइंट्स वैन वी वॉन्ट टू इफ वी पोजिशन द टू नंबर लाइन पर पेंडिकुलर टू ईच अदर ओके दिस इज समथिंग रफ दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू सो अंडरस्टैंड दैट कि अगर आपके पास एक नंबर लाइन है अगर आपके पास एक नंबर लाइन है तो आपको पता है कि नंबर लाइन इस टाइप से होती है और ये आपका ज़ीरो होता है यहाँ पर आप वन टू थ्री फोर ये इक्वी डिस्टेंट होते हैं ओके इक्वी इक्वी डिस्टेंट होते हैं ये पॉइंट्स आई एम जस्ट टेकिंग रफ ओके आप हमेशा इनको इक्वल डिस्टेंस पर ही बनाएंगे तो आप पॉइंट लोकेट कर देते हैं दिस थ्री ठीक है नाउ और इधर आप जानते हैं कि इधर आपके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं इक्वी डिस्टेंट ओके सो इधर आपके इंटीजर्स मीन्स है ना ये इंटीजर्स शो कर रहे हैं नंबर लाइन तो अगर ऐसी नंबर लाइन्स को ऐसी ही दो नंबर लाइन को मैं परपेंडिकुलरली प्लेस करूँ ओके परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्लेस करूँ तो क्या होगा एक नंबर लाइन आपकी ये है एक और मैं बना दूँ लाइक दिस मैंने एक और ये नंबर लाइन आपकी फॉर्म की एंड उस नंबर लाइन को मैंने पहली वाली नंबर लाइन के परपेंडिकुलरली प्लेस कर दिया दिस इज़ ज़ीरो देन अगेन ऑन द राइट साइड जीरो के राइट right साइड जो आपका नॉर्थ साइड पड़ेगा बेसिकली अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इफ़ यू विल सी इट इज़ योर नॉर्थ इट इज़ साउथ एंड इट इज ईस्ट एंड इट इज़ वेस्ट सो ये साइड आपकी होगी तो यू विल गेट वन टू थ्री ठीक है ना ये भी एक नंबर लाइन है और यहाँ पर आपके माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री लाइक वाइज तो टू नंबर लाइन्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दिस फॉर्म्स अ कार्टीजियन प्लेन इसी को हम कार्टीजियन प्लेन कहते हैं आप इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब स्टार्ट करेंगे तो आप इस तरीके से डायग्राम ड्रा करेंगे यूजिंग द स्केल एंड पेंसिल दिस पॉइंट्स शुड बी इक्वी डिस्टेंट आई एम टेलिंग अगेन एंड यू विल मार्क इट एज दिस इज योर कार्टीजियन कार्टीजियन प्लेन दिस इज कॉल्ड एज कार्टीजियन प्लेन ठीक है कार्टिजियन प्लेन में क्या है आपके द टू नंबर लाइन आर पेस्ड प्लेस्ड पर पेंडिकुलर टू ईच अदर ओके दिस इज द फर्स्ट थिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द अंडरस्टैंडिंग दिस कार्टिजियन प्लेन एंड लोकेटिंग द पॉइंट्स इन द कार्टीजियन प्लेन द पेयर ऑफ पॉइंट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट जिनको हम बोलते हैं लोकेटिंग दैट पॉइंट इज इज़ इट्स सेल्फ अंडरस्टूड इन इन द ब्रांच ऑफ मैथेमेटिक्स दैट इज कॉल्ड एज कॉर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक है मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि आपके पास एक सी में सी सी टी पेपर जब आपने दिया था उसमें एक क्वेश्चन भी आया था टू लोकेट द टीचर्स पोजीशन एंड द स्टूडेंट पोजीशन वो यही था कॉर्डिनेट ज्योमेट्री ओके सो दिस इज योर दिस इज दिस कॉर्डिनेट ज्योमेट्री इज इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथेमेटिक्स जहाँ पर हम प्लेसिंग ऑफ पोजिशन प्लेसिंग ऑफ पॉइंट्स की बात करते हैं इन द कार्टिजन प्लेन ओके सो अंडरस्टैंडिंग दिस अब इसके जो आपके बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स या इसके फीचर्स क्या हैं तो आपको पता है द टू नंबर लाइन्स आर प्लेस परपेंडिकुलर टू इच दर ये परपेंडिकुलर होंगे कार्टीजन प्लेन है ठीक है दिस पॉइंट इज योर ओरिजिन दिस पॉइंट इज सेट एज ऑरिजिन दिस इज योर

एज वाई एंड मार्क इट वाई डैश नेमिंग हमने इसकी कर ली ओके सो दीज आर द टू एक्सेस दिस इज द दॉरिजोनटल लाइन दैट इज़ कंसिडर्ड एज एक्स एक्सेस दिस इज द वर्टिकल लाइन दैट इज कंसिडर्ड एज वाई एक्सेस सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी अबाउट द कार्टिजन प्लेन ऑल्सो दिस साइड इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्स एक्सेस आप एक ही इसी तरीके से बनाएंगे स्केल से और उसमें मार्क कर सकते हैं जैसे मैं मार्क कर कर रही हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सेस दिस इज कॉल्ड एज एक्स एक्सेस दिस इज योर पॉजिटिव वाई एक्सेस दिस इज कॉल्ड एज योर नेगेटिव वाई एक्सेस ओके सो दिस इज अबाउट द नेमिंग ऑफ द एक्सेस एंड द पोजिशन सो अब आप बात करें अगर क्वाड्रेंट की एक वर्ड होता है दैट इज़ एक टर्म होती है दैट इज क्वाड्रेंट अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो दार्टीजियन प्लेन दीज टू दीज टू होरिजोनटल एंड द वर्टिकल लाइन्स दीज टू एक्सेस हैज़ डिवाइडेड दिट्स दिस प्लेन इन टू फोर क्वाड्रेंट्स नेमली ठीक है फोर क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता है अब हम उसको क्योंकि ये ओरिजिन है आपका जीरो है हम इसको जीरो डिग्री लेकर के चलते हैं ठीक है और जब आप एक्चुअली इन द टेंथ स्टैंडर्ड व्हेन यू विल लर्न अबाउट ट्रिग्नोमेट्री ठीक है ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ेंगे तब आपको और भी पता चलेगा कि इस कोऑर्डिनेट की लाइक इन फिजिक्स इन मैथमेटिक्स आपको यू कैन गेट एन आइडिया कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये कार्टेशियन प्लेन की इंपॉर्टेंस क्या होती है और हम इसको ऐसे क्यों लेते हैं ठीक है सो so, हम इसको बेसिकली क्लॉक वाइज एक्सेस से स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव एक्सेक्सेस से सो so, यहाँ से स्टार्ट करते हुए यू कैन सी दैट इट इज़ मेकिंग अ 360 डिग्री एंगल है ना ये कंप्लीट आपका सर्कल एक फॉर्म कर रहा है थ्री सिक्सटी डिग्री एंगल बना रहा है अबाउट दैट दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा आई एम टेलिंग यू एंड यू विल लर्न दिस लर्न अबाउट दिस इन ट्रिग्नोमेट्री ना आपको पता है कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सो क्लॉक वाइज इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन सॉरी इन द एंटी क्लोकवाइज डायरेक्शन वेल आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर आप यहाँ पर क्वाड्रेंट मार्क करते हैं दिस क्वाड्रेंट इज मार्क्ड एज फर्स्ट दिस क्वाड्रेंट इज मार्क्ड एज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस क्वाड्रेंट इज मार्क्ड एज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस क्वाड्रेंट इज मार्क्ड एज फोर्थ क्वारड्रेंट अब ऐसा क्यों है कि इनको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हमने बोला है और इसको एक्स एक्सिस इसको वाई एक्सेज ही लिया है या हम जब पॉइंट्स पर के पेयर की बात करते हैं तो हम फर्स्ट में एक्स और दूसरे में वाई ही क्यों लिखते हैं सो दीज आर समथिंग दैट आर डिसाइडेड टू बी स्टैंडर्ड ठीक है स्टैंडर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इट मीन्स ताकि कन्फ्यूजन ना हो अगर किसी कंट्री ने डिसाइड कर लिया कि हम एक्स एक्सेस को बाद में लिखेंगे वाई एक्सिस को पहले लिखेंगे वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट सो इट विल क्रिएट अ कन्फ्यूजन अमंग द सो स्टैंडर्ड डिफाइन करने के लिए आपको पता है कि एक अथॉरिटी होती है जैसे साइंस में स्टैंडर्ड डिफाइन होते हैं वैसे ही मैथमेटिक्स में होते हैं सो लाइक वाइज यू हैव दिस द फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट दिस क्वाड्रेंट आर नेम्ड एज स्टैंडर्डली लाइक दिस सो यू विल राइट इट एज फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट बिकॉज ये फोर पार्ट्स हैं इसलिए इनको क्वाड्रेंट बोला गया है क्वाड मीन फोर इट इज थर्ड क्वाड्रेंट

देर इज यू कैन सी दैट तो अगर आप पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करें ठीक है पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करें कि इस प्लेन में पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे तो आप देख सकते हैं कि आपने एक्स एक्सिस पे जो मैंने आपको चैप्टर फोर में भी डिस्कस किया है आपके साथ एक्स एक्सिस पर आप देख सकते हैं ओरिजिन से आपने कितना मूवमेंट किया है फोर ठीक है इट मीन्स एक्स एक्सिस का जो आपका डिस्टेंस uh, है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस द ये वाई एक्सिस है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका जो पी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है ठीक है ये वाला दिस इज योर दिस इज दिस ठीक है ये वाई एक्सिस है ये परपेंडिकुलर लाइन है ये पी पॉइंट है आपका ये डिस्टेंस कितना है बेसिकली ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस आपका फोर है क्योंकि आप देख सकते हैं ये इसके पैरेलल है और ये सिमिलर है ठीक है means perpendicular distance of the point P from Y axis is 4. It means your Pn is equals to 4, ya O M is equals to 4. Okay? Likewise the perpendicular distance from the P from the x axis X axis is what? Your 3. Okay? The perpendicular distance ऑफ़ द पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सेस इज थ्री जो आपने यहां पर मेजर किया एंड दिस इज दैट यूर ओ एन पी एम बोथ आर थ्री इट मीन्स दैट जब आप इस पी के कॉर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं तो जब आप एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं दैट इज फोर इट मीन्स वाइल फाइंडिंग आउट द एक्स कोर्डिनेट यू आर टेकिंग द परपेंडिकुलर डिटेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सेस जब आपको एक्स कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट में एक्स का आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा वाई से वाई एक्सिस से लाइक वाइज जब आपको वाई का निकालना है तो आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा एक्स एक्सिस से एंड यू गेट इट एज फोर कोमा थ्री ठीक है सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट लाइक वाइज द पॉइंट q की अगर बात करें अगर पॉइंट q की बात करें तो q का मुझे अगर x एक्सिस x कोऑर्डिनेट ठीक है एक्स कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना है तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूंगी वाई से अब क्यू जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई से ये वाला है क्यू एस क्यू एस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई एक्सिस से क्यू पॉइंट का तो वो कितना है यहाँ से मैं जब इस लाइन को ड्रॉ करती हूँ तो आई फाइंड इट इक्वल्स टू इक्वल्स टू कमिंग एट माइनस सिक्स ठीक है तो मतलब कि एक्स एक्सेस एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो मेरा माइनस सिक्स हो जाता है जब मुझे वाई फाइंड करना है तो मैं डिस्टेंस देख रही हूँ Q पॉइंट का x एक्सिस से ठीक है x एक्सिस से देख रही हैं डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस अगर मैं इसके इक्वल देखू कि ये कितना इसके इक्वल होगा तो इट विल इट इज़ योर माइनस टू कमिंग एट माइनस टू इट मीन्स दिस इज योर माइनस टू ठीक है टू यूनिट्स डिस्टेंस ऑन द नेगेटिव साइड देयरफॉर इट इज़ माइनस टू तो यहाँ से आपको ये पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट था ये सेकंड क्वाड्रेंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सेस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सेस भी पॉजिटिव है तो आपके जो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे जो भी पॉइंट्स यहाँ पर लाई करेंगे वो किस टाइप के होंगे प्लस कॉमा प्लस इट मीन्स एक्स भी प्लस वाई भी प्लस ओके मीन्स पॉजिटिव प्लस प्लस डिनोट कर रहा है पॉजिटिव यहाँ पर आपके पॉइंट्स वो लाई करेंगे जिनका एक्स एक्सेस अगर मैं किसी पॉइंट को यहाँ पर समझ लीजिए कि मैंने अपनी तरफ से कोई पॉइंट बनाया इसको आर नेम कर लीजिए ठीक है आर नेम कर लिया मैंने इसको मुझे इसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं एक्स एंड वाई क्या होंगे मुझे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए तो जब मुझे एक्स का कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रही हूँ वाई से ये वाला ठीक है ये वाला वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ये अगर मैं इसको इसके सिमिलर कंपेयर करूंगी तो ये कितना आ रहा है माइनस फोर इट मीन्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस फोर है अब मुझे इसका वाई कोऑर्डिनेट जब चाहिए तो मैं इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूंगी एक्स एक्सेस से तो एक्सएक्स पर परपेंडिकुलर डालूंगी एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाली तो ये कितना डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज योर थ्री यूनिट्स थ्री यूनिट्स है ना और वाई में ये इसके कंपेयर करा और यहाँ पर वाई क्या है पॉजिटिव इट मीन्स प्लस थ्री है ना डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है फोर यूनिट थ्री यूनिट लेकिन वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इस वजह से उसके आगे माइनस साइन या प्लस साइन आता है ठीक है अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कैसा कोऑर्डिनेट हमें जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है उसकी साइन uh, पोजीशन कैसी है साइन है माइनस प्लस इट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सेज होगा और पॉजिटिव वाई एक्सेस होगा मीन्स माइनस प्लस वाले जो पॉइंट्स होंगे पॉइंट्स को देखते ही पता चल जाएगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है अगर प्लस प्लस वाले पॉइंट है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे माइनस प्लस वाला पॉइंट है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और अगर माइनस सॉरी प्लस माइनस वाला पॉइंट है प्लस एंड माइनस प्लस एंड माइनस कहने का मतलब एक्सज पॉजिटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा आई एम टेलिंग यू ऑल द ओनली बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है कॉर्डिनेट ज्योमेट्रिक का ये सारा क्लियर करने के बाद ऑल द थ्री एक्सरसाइजेस विल बी डिस्कस्ड इन वन गो ठीक है तीनों एक्सरसाइज एक ही बारी में डिस्कस हो जाएंगी और अगर आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से ये स्टार्टिंग की वीडियो ठीक से देख ली और आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो आप सारी एक्सरसाइजेस खुद कर पाएंगे वन लाइन आंसर्स एक्सरसाइजेस हैं ओनली ओके क्लास नाइन सो दिस इज दिस लोकेटिंग द पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन नाउ मूविंग फर्दर सो क्लास नाइन ये देख लीजिए कि लोकेटिंग द पॉइंट जो मैंने आपको हेडिंग लिखवाई थी उसमें आप ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस तरीके से पॉइंट लोकेट करेंगे एंड ये जो मैंने पेंसिल से लिखा है ये नोट डाउन करेंगे और उसके बाद साइड में ये भी लिखेंगे कि यू विल राइट स्टामा करके लिखेंगे एक्स कोर्डिनेट इज also called as abscissa abscissa okay and y coordinate of a point y coordinate of a point ज ऑर्डिनेट इट मीन्स एफसीसा और ऑर्डिनेट भी आपको आप फेमिलियर होने चाहिए और आपको यूज भी करना चाहिए बहुत बार आपको एक्स कॉर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लिखा हुआ नहीं मिलेगा एग्जाम में यू कैन गेट दैट रिटर्न एफसीसा एंड ऑर्डिनेट सो यू शुड नो दैट एक्स कॉर्डिनेट ऑफ अर पॉइंट इज कॉल्ड एज एफ सीसा एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट अनदर सिंपल एग्जाम्पल आई एम टेकिंग फ्रॉम योर बुक ऑनली पेज नंबर फिफ्टी एट फिगर थ्री पॉइंट वन वन एंड सॉल्व भी है आप वीडियो को देखने के बाद उसकी सॉल्यूशन को खुद भी रेफर कर सकते हैं सेल्फ स्टडी कर सकते हैं इस चैप्टर को जितना आप खुद से एन से रीड करेंगे दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू सो यहाँ पर मैं पॉइंट्स की जस्ट जो आपको पॉइंट्स uh, दिख रहे हैं उनके प्लॉटिंग uh, करेंगे हम देट बी एम एल एंड एस द पॉइंट्स सो हेयर अगेन फॉलोइंग द सेम थिंग दैट बी का मुझे एफ सीसा फाइंड करना है ठीक है बी का एफ सीसा मीन मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट सो आई विल चेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस बी फ्रॉम द वाई एक्सिस, देट इज थ्री देट इज सॉरी 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 देट इज दिस इज दिस इज योर फोर ओके ना आपने ये ज्वाइन किया फिर इसको कंपेयर किया विद द एक्स एक्सेस सो ये कितना है फोर इट मीन्स इट इज फोर कॉमा नाउ चेकिंग द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी वॉट यू विल डू यू विल चेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस यू गेट थ्री सो इट इज़ फोर कॉमा थ्री लाइक वाइज इन द एम वॉट यू विल गेट हेयर यू कैन सी दैट यू आर गेटिंग पॉजिटिव पॉजिटिव इन द एम सिमिलरली एक्सेस के लिए इट इज़ माइनस थ्री एंड वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस है इट इज़ फोर सो माइनस थ्री कोमा फोर इट मीन्स माइनस प्लस पॉइंट आपको मिला क्योंकि एक्स एक्सिस नेगेटिव था वाई एक्सिस पॉजिटिव था यहां पर आपको दोनों कैसे मिलेंगे नेगेटिव यू विल गेट फॉलोइंग द सेम थिंग यू विल गेट एक्स एक्सिस एज योर ये डिस्टेंस है ना वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है ये वाला दिस इज योर फाइव है ना माइनस फाइव सो इट इज माइनस फाइव एंड वाई कोऑर्डिनेट के लिए एक्स एक्स डिस्टेंस इट इज़ योर कितना है ये डिस्टेंस यहाँ से कंपेयर करेंगे माइनस फोर यू विल गेट माइनस फाइव माइनस फोर लाइक वाइज हेयर यू विल गेट थ्री कॉमा माइनस फोर इट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव वेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉर्डिनेट इज देयर इट मीन्स इट लाइज इन द फोर्थ कॉर्डिनेट एफसीसा एंड द ओर्डिनेट यू कैन चेक बाई देट ओके So, now coming to the exercise 3. Point, now, this is the all concept that have to be discussed. I have you all the information. In case of doubt, just let me know in the group. And uh, now discussing the exercise 3.1, 3.2, 3.3. We will finish up this chapter. You will complete your work and follow the other instructions that will be provided in the group. So, talking about exercise 3.1. द टू सिंपल क्वेश्चन आर गिवेन दिस ए क्वेश्चन नंबर वन हाउ विल यू डिस्क्राइब द पॉजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन यूर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन ओके तो आप अपनी स्टडी टेबल पर आपको लैम्प की पोजिशन डिस्क्राइब करनी है सो बाई यूजिंग द कॉर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक है लैम्प कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट एंड बाई यूजिंग द कॉर्डिनेट ज्योमेट्री यू कैन गेट द सोल्यूशन इज as follows you can see here that for describing the position of table lamp we will take the table as Cartesian plane and taking one of the corners as origin, the two perpendicular lines as x, x axis sorry x axis and y axis. So it will be your. So like this is your table. एक कॉर्नर एक को आपने ओरिजिन कंसिडर कर लिया ये इक्वी डिस्टेंट आपने पॉइंट्स लिए यू विल गेट वन टू थ्री फोर फाइव और यू कैन गेट हेयर वन टू थ्री है ना सो लैम्प की पोजीशन को आप अगर ये लैम्प है और मैं इसको पॉइंट कंसिडर करूँ तो पोजीशन क्या होगी दिस दिस ओके सो द लैम्प की पोजीशन कितनी होगी आपकी फोर कॉमा थ्री according to the coordinate so the likewise you can like this you can describe the position of lamp on a table means you can describe the position of a point now question number 2 is much simpler question number 2 says that a, a city has two main roads a city has two main roads which cross each other at the center of the city these two roads are along the north south direction and the east west direction it means two aapke axes is okay. theek so they are saying all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart देर आर फाइव स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन मीन्स नॉर्थ साउथ से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देखें तो भी फाइव स्ट्रीट हैं और अगर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन देखें तो भी फाइव स्ट्रीट्स हैं यूजिंग वन सेंटीमीटर इज इको टू हंड्रेड मीटर ड्रॉ द मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक रिप्रजेंट द रोड्स स्ट्रीट बाई सिंगल लाइन्स देर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल क्रॉस स्ट्रीट्स कहने का मतलब है द स्ट्रीट्स विच विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओके जो मीन्स जब आप दो दो रोड कंसिडर कीजिए और वो किसी पॉइंट पर इंटरसेकट करती हैं तो इन टोटल वो फोर रोड्स फॉर्म कर देती हैं ठीक है लाइक लाइक दैट सो दे आर सेंग दैट देर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल इट मीन्स वेयर द पॉइंट्स वेयर द टू स्ट्रीट्स विल इंटरसेक्ट विल बी क्रॉस स्ट्रीट अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई टू स्ट्रीट वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अदर अनादर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन उन्होंने एक्सप्लेन किया है क्रॉस कि स्ट्रीट क्या होती है ईच क्रॉस द्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट एज टू कोमा फाइव समझ रहे हैं मीन्स सेकेंड स्ट्रीट अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और फिफ्थ स्ट्रीट आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है देन यू विल कॉल इट एज टू कोमा फाइव बिल्कुल कार्टिजन प्लेन ग्राफ की तरह ही आप इसको कंसिडर कीजिए यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज फॉर सो एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर टू अकॉर्डिंग टू द गि क्वेश्चन फिगर लाइक दिस these are the streets these are the five streets which are from the north south direction and east east west direction running parallel to each other and taking one unit is equal to 200 meter we have to just find out they are asking the simple thing that uh, how many cross streets can be referred to as four comma three so four comma three will be your again you will move toward this axis that is that can be considered as x axis okay means horizontal axis you will move 4 points here one two three four four and then 3 here one two three so this is street this cross street is 4 comma 3 so we will say that only 1 street that is uh, the only one street can be marked can be referred as 4 comma 3 likewise 3 comma 4 4 will be your here 3 and this is 4 Okay. Now moving toward the exercise three point two. So the exercise three point two again contains uh, two questions. Question number one and question number two are much simpler. Like uh, question number one, first part: What is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? So very simple. The horizontal line is called as x-axis and the vertical lines is लाइन इज कॉल्ड एज वाई एक्सेस लाइक वाइज यू कैन डू द क्वेश्चन नंबर टू ऑल्सो बाई योर सेल्फ मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी बट अगर आपका डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे ठीक है तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू यू आर गोइंग टू ट्राई बाई योर सेल्फ दिस इज द फिगर फॉर एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू इन केस अगर आपके पास बुक नहीं हो या कुछ भी सो लेट मी नो आई विल शेयर द पी डी एफ आई विल शेयर द पी डी एफ इन द गूगल क्लास रूम टूमोरो Now moving toward the exercise 3.3. 3.3 is also has explained by me that in which co the question number one is in which quadrant or on which axis do each of the following points lie. So, up points को the a so minus two comma four. It means x uh, the abscissa, the abscissa, the x coordinate is minus two. Y the ordinate.

लेकिन ग्राफ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी लाइक like, मैंने जैसे विदाउट ग्राफ आज आपको समझाया है वैसे आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं यू नो वेरी वेल दैट ग्राफ कैन बी ड्रॉन बाय यूजिंग सिंपल पेंसिल एंड स्केल और आप स्केल की हेल्प से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट को मार्क्स करें मार्क करें एंड यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑल अबाउट द चैप्टर थ्री सो टूडे वी हैव कम्पलीटेड इट एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद आ चैप्टर फाइव ओके थैंक यू क्लास कंप्लीट योर वर्क And uh, do as instructed, and uh, stay happy and stay safe at home.